हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेम्बो आईज आई मेकअप ट्यूटोरियल। एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं, नहीं तो आपका एंट्री नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यही आप मुझे कहना था। एंड यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। इससे मैं अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। एंड इसके बाद इसके ड्राई होने का मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। एंड इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। एंड इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे पहले प्लेस कर रही हूँ। एंड इसके बाद इसे धीरे धीरे करके ब्लेंड करते जाऊँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये NYB का लिक्विड कंसीलर। तो ये एकदम ख़त्म ही होने वाला है, अभी भी बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसे ऐसे ही अप्लाई कर दे रही हूँ। एंड यस, इसका कवरेज भी ठीक ठाक है, बट हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइंग है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आप पे उतने अच्छे से नहीं जाएगा। तो इसके बाद मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमें हल्के हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है, नहीं तो कंसीलर जो होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा स्पंज के द्वारा। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पूली। स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा घने हैं, तो मैं इसे फिल नहीं करती। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी वाला वेरियंट वाला मतलब लिप बाम। एंड ये तो लिप बाम बहुत समय से चल रहा है, मतलब मैं बहुत ख़रीदा करती थी, यूज़ नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पास होना चाहिए था, ऐसा था मेरे साथ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेकअप रिवॉल्यूशन का मार्वलस मैट रिलोडेड आई शेडो पैलेट। इसमें आपको बहुत सारे कलरफुल शेड्स मिलते हैं, तो इसमें से मैं इस येलो शेड को यहाँ पर पहले इनर कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप करना। तो इनर कॉर्नर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं कलर बिल्डअप कर रही हूँ। एंड गाइज, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल या फिर ब्राइट काइंड ऑफ आई मेकअप कर रहे हैं तो उसके बाद कंसीलर लगाने के बाद उसे सेट नहीं करना, नहीं तो जो कलर पे ऑफ होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो दिस इज़ अ हैक फ्रॉम माई साइड। तो इसके बाद मैं उसी ब्रश को कॉटन पैड पे पोछ ले रही हूँ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कलर था तो इसलिए मैं उसे पोछ ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूसरा शेड जो कि है ऑरेंज फ्रॉम दी सेम ब्रश। एंड जैसा देख सकते हो मैं इसे भी थोड़ा सा डैब डैब करके ही अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो कलर पिगमेंट होता है वो मतलब बहुत ही क्या कहते आराम से आ जाता है, नहीं तो अगर आप सीधे ब्लेंड करते हुए अप्लाई करते हो ना तो नहीं होता, इसलिए आप थोड़ा डैब डैब करके ही अप्लाई करो। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेम ब्रश से रेड शेड एंड इसे मैं लगाऊँगी ऑरेंज शेड के ठीक बात। तो गाइज, मैं आपको बता दूं ये जो था ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल था, सो इसलिए मैंने इसे किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने हाथों पे कैसे रेनबो आईज़ किया है, या मैंने बहुत सारे रेनबोज़ किए ना रेनबो आईज़ वाले मेकअप लुक, तो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे तो सिखा दो, तो मैंने सिखा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश से ये एक पर्पल शेड एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ रेड शेड के बाद। तो इसे भी हम लोग धीरे धीरे करके बिल्डअप करते जाएंगे, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। एंड गाइज, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी रूल है। इसे भी इस ब्रश को भी मैं कॉटन पैड में अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ग्रीन शेड। ग्रीन शेड को अब मैं एक विंग ड्रॉ करते हुए अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हो एट द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई। तो इस तरीके से मैं कुछ विंग बनाते हुए इसे अप्लाई कर रही हूँ। दूसरे आईज में भी ठीक इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा मैसी लग रहा हुआ, अरे यार ये कैसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इस पर कंसीलर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही क्लीन लुक आएगा। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश एंड इससे मैं एक कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। ये विंग वाला कट क्रीज है, आई डोंट नो इस कट क्रीज को क्या कहते हैं, फुल कट क्रीज, आई डोंट नो व्हाट। तो इससे हम लोग बस इस टाइप का विंग काइंड ऑफ कट क्रीज ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख लो कि किस टाइप का कट क्रीज है।
सो कुछ इस तरीके से विंग बनाते हुए मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है। तो आप देख रहे हो अब कितना क्लीन लुक आ रहा है आई मेकअप का। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाइट शेड। इस वाइट शेड से ना मैं अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी। बहुत सारे लोग नहीं करते सेट, बट लिटरली अगर मुझसे पूछो तो मैं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जब तक सेट नहीं करती ना और अगर इसके ऊपर मैं अगर आईलाइनर अप्लाई करती हूँ तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं इसे सेट करने के बाद ही आईलाइनर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मेबेलिन दी कोलोसल आईलाइनर, एंड इससे मैं एक बहुत पतली सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। ये वाला जो आईलाइनर मैंने लगाया है ना, ये थोड़ा सा कोरियन मतलब आईलाइनर काइंड ऑफ आईलाइनर है। तो देखो आप किस तरीके से एकदम पतला सा, थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, तो आप देख लो किस तरीके का है। इसी टाइप के कोरियन लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये कोरियन काइंड ऑफ आईलाइनर है। तो धीरे धीरे करके मैं एक बस पतली सी लाइन खींच रही हूँ, आज मोटा लाइनर नहीं लगाना है। अगर मोटा लाइनर लगाएंगे तो इस मेकअप लुक को वो छुपा देगा, मेकअप लुक को नहीं, आई मेकअप लुक को वो लाइनर ही छुपा देगा। इसी कारण से हम लोग बहुत पतला सा आईलाइनर लगाएंगे। अब उसी गंदे कॉटन पैड की हेल्प से हम लोग जो अंडर आइज पे जो डस्ट ऑफ हुआ है, वैसे इस क्या कहते हैं फॉल आउट ज़्यादा नहीं होता इस आई शेडोज़ में, लेकिन मैं तो भी इससे क्लीन कर ले रही हूँ अंडर आइज पे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लैक्मी 925 का प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन। इसमें ये जो मतलब है फाउंडेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरे स्किन पर तो सूट कर रहा है। अब आप लोग पे कैसा करेगा आई डोंट नो, बट हाँ अगर जिनकी स्किन मेरी तरीके की है तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ठीक है। बट हाँ अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो प्लीज़ आप ढेर सारा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ही इस फाउंडेशन को अप्लाई करना, बिकॉज़ हाँ ये थोड़ा थोड़ा मतलब ड्राइंग है, बिकॉज़ ये मैट फाउंडेशन है तो आप खुद भी समझ सकते हो वाई इट इज़ ड्राइंग। तो यस बहुत अच्छा फाउंडेशन मुझे लगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये NY बेक का कॉन्टोर स्टिक। एंड गाइज आज हम लोग उतना ज़्यादा हैवी वाला कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे, बट हाँ कॉन्टोरिंग करेंगे, मतलब मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी है तो उसे हमें थोड़ा सा छुपाने के लिए कॉन्टोर तो करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो हमारे गाल बड़े फूले फूले से दिखेंगे। तो इससे अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हो हॉल ऑफ द चीक्स पे जो हमने क्रीम कॉन्टोर अप्लाई किया मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। जॉ लाइन वाले कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। एंड यस फिर से हॉल ऑफ द चीक्स पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, एंड नोज़ वाले कॉन्टोर को भी हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। फॉरहेड पे भी मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर अप्लाई किया था तो उसे भी ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर इन दी शेड वार्म न्यूड, एंड इससे मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसने कंसीलर क्यों नहीं अप्लाई किया, तो सुनो अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं अप्लाई किया है, एंड आपको भी नहीं लगे तो आप ही मत यूज़ करो, झूठ मूठ का क्यों यूज़ करना। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हिलारी डोडा का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं इस वार्म ब्राउन शेड को यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्रॉन्जर फॉर माई फेस। एंड यस गाइस ब्रॉन्जर यूज़ करने के बाद ना आपका फेस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वाला लगता है, मतलब आप खुद देखो मेरा चेहरा क्या से क्या हो गया, देख लो देख लो देख लो। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन ब्लश। ये एक बहुत ही कोरल बहुत ब्यूटीफुल कोरल क्या कहते हैं ब्लश है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला ब्लश शेड, मेरा फेवरेट हो गया, मेरा फेवरेट, माय फेवरेट, दिस इज़ माय फेवरेट शेड फ्रॉम दी ब्लश। एंड यस मैं इसे नोज़ पे और अपने थोड़े से चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये शिमरी शेड, एंड इसे ही यूज़ कर रही हूँ मैं एज अ हाईलाइटर। एंड गाइस आप आई शेडोज़ को ही एज अ हाईलाइटर ब्रॉन्ज क्या कहते हैं ब्लश यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं अपने चेहरे के हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ, नोज टिप पर, चिन पर, अपने चीक बोन्स पर, एंड अपने आईब्रो बोन पर भी मैं अप्लाई करूँगी, एंड अपने इनर कॉर्नर पे भी मैं अप्लाई करूँगी इसे। एंड गाइस फिर से मैं बता देती हूँ गिव अवे के क्वेश्चन का भी आंसर देना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं आंसर देते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है आपको आंसर भी देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये L18 का लिपस्टिक। एंड गाइस ये वाला लिपस्टिक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं उसे ही अप्लाई कर रही हूँ, बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है पता नहीं कैसे मुझे, मतलब कैमरे में कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है, इतना भी ब्राइट नहीं है ये पिंक, मतलब कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तो इतना भी ब्राइट नहीं है पिंक, बहुत ठीक ठाक लिपस्टिक है, मुझे तो अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबेलिन दी हाइपर कॉल मस्कारा। गाइस मैं भूल गई थी मस्कारा अप्लाई करना, सॉरी 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 सॉरी। तो इससे अप्लाई करने के बाद वाह
मेरी आंखें क्या खूबसूरत लग रही है, कैसी लग रही है बताओ यार, बताओ बता दो। इतनी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, अब कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। तो गाइस क्या हुआ था ना, मेरे है ना कट क्रीज पर थोड़ा सा है ना मस्कारा लग गया था, तो सो सॉरी। तो यस, हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। एंड आज का क्वेश्चन है कि मैंने अपने आई शेडो में कितने कलर्स यूज़ किए हैं, ये है आज का क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ यू लाइक मी एंड माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बाय बाय। एंड गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय।